के शो बिला तकल्लुफ में आपको खुश कहती हूँ आप टेक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कर सकते हैं। आज के शो में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरा पोलैंड और यूक्रेन की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में आईएसआई आई के सबक चीफ जनरल फैजीद और इमरान खान की सांझी सियासत पर तजिया करेंगे मिडल ईस्ट में अमरीकी पीस प्रोसेस का जायजा लेंगे बर्तानिया में फेक न्यूज फैलाने वाले पाकिस्तानी की गिरफ्तारी पर बातचीत करेंगे डेमोक्रेट्स पार्टी का कन्वेंशन किस तरह अमरीकी इलेक्शन पर असरअंदाज होगा इस बात का जायजा लेंगे तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं हम भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरा पोलैंड और यूक्रेन के हवाले से तो आप इस दौरे को बल्कि इन दौरों को कैसा समझते हैं आप इस पर तब्सरा कीजिए जी बड़े इम्पोर्टेंट दौरे हैं दोनों मुल्कों के आ, इसके ऑप्टिक्स बड़े अहम हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईस्टर्न यूरोप के दो अहम मुल्कों में जा हैं। एक तो पोलैंड है और दूसरा यूक्रेन और इसमें पोलैंड की भी बहुत अहमियत है क्योंकि पोलैंड रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपनी सरहद मिलाता है और पोलैंड को भी एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस है वो फेस करना पड़ रहा है रूस यूक्रेन जंग की सूरत में और वो क्राइसिस है रेफ्यूजीज़ का आ, लाखों रेफ्यूजीज़ पोलैंड में जा रहे हैं और सिर्फ रेफ्यूजीज़ का क्राइसिस नहीं है क्योंकि बॉर्डर साथ हैं तो पोलैंड भी बहुत वल्नरेबिलिटी की सतह पे है और चूंकि इस जंग के हालात और ख़राब होते जा रहे हैं तो अगर इस जंग के असरा मजीद कुछ पड़े तो वो पोलैंड पे पढ़ सकते हैं अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुके और भारत का देश भी दोनों रूस के भी दोस्त हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के भी दोस्त हैं तो वो इम्पॉटेंट बात मुझे यही नज़र आती है कि जब वो जा रहे हैं पोलैंड के दौरे पे, यूक्रेन के दौरे पे, तो कोई ना कोई बैक डोर डिप्लोमेसी चल रही होगी जिसमें मेरा ये आ, गैस है और मैं इसको समझ भी सकता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स की दुनिया में तो वो जो चल रही है डिप्लोमेसी उसमें भारत का बहुत अहम किरदार है क्योंकि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड भी भारत से चाह रहे हैं कि भारत के बहुत अच्छे तलुक हैं रूस के साथ तो भारत अपना किरदार अदा करे कोर्स भारत किस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकता है अपनी आ, बात पहुंचाने के हवाले से कि रूस को कोई पैगाम दे सकता है और इसी तरह रूस का कोई खुफिया पैगाम हो अगर इस जंग को कहीं सेटल करना है तो वो यूक्रेन को दे सकता है और पोलैंड भी ऑफकोर्स इसमें एक अहम चूँकि मुल्क है अच्छा सिर्फ ये रूस यूक्रेन की जंग के हवाले से ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आ, ये दौरा अहमियत नहीं रखता भारतीयों की एक अच्छी खासी तादाद है पोलैंड में भी रहती है स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और यूक्रेन में भी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद रहा करती थी अब मुझे मालूम नहीं कि जंग के बाद कितने लोग रह गए हैं मगर इससे पहले तो आ, ट्रेंड था भारतीय स्टूडेंट्स का खास तौर पर आ, मेडिकल के शोबे और इंजीनियरिंग के शोबे और दूसरे शोबों में तलीम हासिल करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स का यूक्रेन जाने के हवाले से तो बहरहाल अब वो मामला तो थोड़ा पीछे हो गया यूक्रेन में मगर पोलैंड में अभी भी स्टूडेंट्स हैं कम्यूनिटी भी है और फिर भारत की जो ट्रेड पार्टनरशिप है पोलैंड के साथ वो भी अहमियत की हामिल है यूक्रेन के साथ ऑफकोर्स जो ट्रेड है वो वो मतलब कौन होगा तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा पोलैंड और यूक्रेन बुनियादी तौर पर रूस यूक्रेन जंग के कॉन्टेक्ट में मुझे ज़्यादा अहम दिखता है लेकिन इसके साथ साथ वैसे भी ऑप्टिक्स इसमें बनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और वो इस सिलसिले में जैसा उनके तल्लक रूस के साथ हैं वैसे ही वो तल्लक यूक्रेन के साथ भी रखना चाहते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी रखना चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ी है और इस दौरे से जो वेस्टर्न वर्ल्ड के शिकवे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से कि जी आप रूसी सदर को बहुत अहमियत देते हैं रूस को अहमियत देते हैं वो ज़रा कम होंगे जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका प्रेशर भी ज़रा कम होगा और वो जो भारत की हमेशा से बैलेंसिंग एक्ट वाली फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी एक तरह से कॉन्टीन्यूशन है चलिए अब इस तरफ आते हैं कि पीएम मोदी ने पिछले महीने रूस का दौरा किया तो क्या इस दौरा को बैलेंस करने के लिए उन्हें अब यूक्रेन का दौरा करना पड़ा है बिल्कुल ने? बिल्कुल 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 ये बड़ी अहम एह, बात आपने की और, और मैंने पीछे इशारा भी दिया कि यह बैलेंसिंग एक्ट का मसला है क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस गए थे सदर वलादिमिर पुतिन से गले मिले थे उसके फौरन बाद यूक्रेन के सदर वस् बहुत बड़ा इल्जाम उन पर धरा था कि जनाब आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब और आपने एक खूनी शख्स यानी उनके नज़दीक व्लादिमिर पुतिन एक खूनी शख्स है उन्होंने कहा कि आपने एक खूनी शख़्स से जफी डाली तो उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट में ये बात की हालांकि जब सदर पुतिन के साथ मुलाकात हो रही थी व्लादिमीर पुतिन की सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगले रोज़ तो उन्होंने एक तरीक़ साथ जुमला कहा उन्होंने कहा कि जो जंग में आपकी और यूक्रेन की जंग में जो मासूम बच्चे मरते हैं उस उनकी हलाकतों से मेरा दिल दुखता है क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस में थे उसी दौरान रूस का एक अटैक हुआ था बच्चों के स्कूल पर यूक्रेन में बच्चों के स्कूल पर बच्चे मरे थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं ये समझता हूँ ब्रेवनेस है ग्रेटनेस है कि उन्होंने जहाँ जफ़ी डाली थी पुतन से और अपने जो भारत के और रूस के तल्ल हैं आ, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया मगर उन्होंने इंसानी जो तकाजे हैं और भारत के आ, जो जेस्चर को भी शो किया कि भारत इस बात को पसंद नहीं करता कि जंग उन्होंने कहा कि ये जो मसाइल होते हैं ये बैटल फील्ड में जंगों के मैदान में हल नहीं होते यानी उन्होंने अपने मित्र को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मित्र हैं आ, पूतन उनको कहा जब ही डालने के बाद कहा और सारे अच्छे तलक के बावजूद कहा कि ये जो बच्चे आपकी बमबारी से मर रहे हैं मेरा दिल खून के आंसू रोता है तो ये बड़ी बात थी और फिर मेरा ख़्याल है कि जैसा हमने पिछले उस दौरान अपने शो में कहा था कि वलादिमिर विलंस्की जो इनफैक्ट यूक्रेन के सदर हैं उनका पहला नाम भी वलादिमिर है तो वलादिमिर विलंस्की की वो जो एक ट्वीट थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ उन्होंने टाउंटिंग लहजा किया इंसल्टिंग लहजा किया उस पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साबित किया यानी एक तरह से चपत लगाई भाई मैं तो तुम लोगों का भी हमदर्द हूँ तो अब वो फर्दर बैलेंसिंग एक्ट के लिए वो वहां पे आ, 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 अब पहुंचे और मुझे उम्मीद है कि इसमें ना सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट का मामला है बल्कि इसमें कोई ना कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जो मैंने पिछले आपके सवाल के जो आपने कहा वो कोई ना कोई, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है क्योंकि भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पोजीशन में हैं कि दोनों देशों की इसमें सिर्फ दोनों देश नहीं है क्योंकि जब यूक्रेन की बात मैं जब भी करता हूं, उसमें पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है तो वेस्टर्न ब्लॉक की और रूस की वो आपस में जो बैक टू डिप्लोमेसी में भी कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे हैं और ये मतलब सिर्फ कोई सीक्रेट नहीं है सामने की बात भी है तो मेरा ये ख्याल है कि बैलेंसिंग एक्ट ही नहीं है वो तो है ही है इसके साथ साथ आगे के भी इसमें मामला जुड़े हुए हैं और दुआ करें कि इन दोनों देशों आ, की जंग जो है वो खत्म हो कम हो क्योंकि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये जंग चलिए इस वक्त यूक्रेन ने रूस के इलाका के अंदर घुसकर कुछ इलाकों पर कब्जा किया हुआ है ये सिचुएशन इस जंग में किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है देखिए यूक्रेन ने आ, जो रूस के अंदर घुस के कुछ इलाक़ों पे कब्जा किया हुआ है कहा जाता है कि वो शायद अब तक एक हज़ार किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर का इलाका है और यूक्रेन का ये जो कदम है अपनेटली यही लगता है कि वो इस एग्रेशन को जो जंग की एग्रेशन है पहले तो जंग की एग्रेशन रूस की तरफ से हो रही है अब यूक्रेन ने भी की है तो यूक्रेन की तरफ से जंग की ये जो एग्रेशन है इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक तो ये है कि रूस और तलमलाए और जैसा कि रूस दिल मिला रहा है रूस और हमले करे जैसा कि रूस कर रहा है लेकिन इससे ज़्यादा भी रूस हमले कर सकता है तो ये इसका एक बहुत ही खौफनाक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है लेकिन दुनिया ये भी कह रही है कि व्लादिमीर विलेंसकी का ये फैसला यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये फैसला कि हम रूस के अंदर घुस मारेंगे कब्जा करेंगे वो असल में रूस को ये पैगाम देना है कि भाई अगर आप हमारे अंदर घुस सकते हैं हम भी आपके अंदर घुस सकते हैं तो अब इसका सलूशन एक ही है अगर आप हमसे अपना इलाका खाली करवाना चाहते हैं तो जिन इलाकों पे आपने कब्जा किया हुआ है आप वहां से निकले ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे इलाकों के अंदर घुसते रहें और हम चुपचाप उसको देखते रहें बेबसी के साथ देखते रहें तो ये यूक्रेन का एक मैसेज है तो हो सकता है कि रूस इस मैसेज को देखते हुए कोई ना कोई बातचीत का रास्ता निकाले और हो सकता है जैसा हम पीछे बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट में ये एजेंडा भी आए जिस पे बातचीत हो।, हो सकता है वो बातचीत पब्लिक के सामने ना आए और वो क्या बातचीत होती है वो तो हमें आ, कल पता चलेगा लेकिन आ, ये अहम है कि जो इस वक्त यूक्रेन रूस के अंदर घुसा है वो एक बहुत ही जारहाना कदम भी है अपरनली एट वन पॉइंट एग्रेशन है दूसरी तरफ से वो जवाब है रूस के लिए और तीसरी तरफ से अगर हम तीसरा एस्पेक्ट देखते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड की ऑफ कोर्स हल्लाशरी के साथ और उनकी अप्रूवल के साथ यूक्रेन ने यह किया है अगरचे यूक्रेन का कहना है कि मैंने उनको बताए बगैर किया है वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहती है कि हमें पता नहीं है ये यूक्रेन का अपना फैसला है मगर ऑफ कोर्स मैं नहीं समझता कि यूक्रेन ऐसा फैसला इतना तो बड़ा अकदाम उठाएगा बगैर वेस्टर्न वर्ल्ड को ऑन बोर्ड लिए अब हम पाकिस्तान के सियासी हालात की तरफ बढ़ते हैं आ, पाकिस्तान में आई एस आई के सबक चीफ जनरल फैज़ हमीद पर चलने वाले कोर्ट मार्शल के नतीजा में इमरान खान की सियासत पर किस तरह असर पड़ेगा जी देखिए बिल्कुल इमरान ख़ान की सियासत पर काफ़ी असर पड़ेगा और पहले मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यवर्स के साथ कि जनरल फ़ैज़ हमीद की जो एक तरह से गिरफ्तारी है अब वो कह रहे हैं कि हमने तहवील में लिया है हरासत में लिया है बाकायदा फॉर्मल गिरफ़्तारी नहीं है और उन पर कोर्ट मार्शल चलेगा ये पाकिस्तान की आर्मी ने कहा तो वो भले से वो आ, अरेस्ट हुए हैं अब मैं उन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता वो हरासत में हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये एक बहुत बड़ा वाक़ है मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले शाह जनरल जिया बट थे वो आईएसआई के थे जब आ, उन्होंने कू करने की कोशिश की थी नवाज़ शरीफ के ज़माने में मुशरफ सरकार पे वो नाइन्टी नाइन नाइट की बात है उनको गिरफ़्तार किया था लेकिन वो ख़बर मतबाद में आ, इतनी नहीं ख़बरों का हिस्सा बनी और लेकिन ये जो वाक़ है जनरल ज़ियाब भट्ट की आ, उस वक्त की गिरफ़्तारी के बाद ये वाक़ यानी फैज़ हमीद की अब गिरफ़्तारी का वाक़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक़ है और इस नौयत का शायद पाकिस्तान में पहला वाक़ है कि इतने ढोल धमके के साथ पाकिस्तान आर्मी ये ऐलान कर रही है कि हम जनरल फ़ैज़ हमीद की जो कारस्तानियाँ हैं उस पर उसका ना सिर्फ कोर्ट मार्शल करेंगे बल्कि बहुत कुछ सामने आएगा अच्छा जनरल फ़ैज़ हमीद इमरान ख़ान के रहे हैं दस्ते रास, राइट हैंड मैन वो इमरान ख़ान ने जो कुछ सियासत में आ, अपने वज़ी अजम बनने के बाद और उससे पहले भी कुछ से पहले तक जो कुछ किया उसमें जनरल फैज़ हमीद का बहुत किरदार है अब ये देखिए ये मामलात ये होते हैं आ, इस तरह की सियासत के बड़ी सियासत के इसमें एक दूसरे के साथ भी होते हैं और जब कड़ा वक्त आए मुश्किल वक्त आए तो एक मिनट नहीं लगाते ये एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं ये पूरी दुनिया में होता है अब पाकिस्तान में जो कुछ पूरी दुनिया में रूटीन में होता है उससे कुछ ज़्यादा ही होता है तो जनरल फैज़ हमीद की जो अब गिरफ्तारी और उनका कोर्ट मार्शल चलना उससे इमरान खान की सियासत पर बहुत असर पड़ेगा इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में बहुत मकबूल लीडर है अवाम में मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अवाम की फिफ्टी परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन उनको चाहती है तो यह एक हकीकत है लेकिन कितने वो काबिल हैं इस पे बहस हमने कई बार की है मेरी जाति राय में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो कोई इस काबिल नहीं है लेकिन पाकिस्तान के दूसरे सियासी लीडर भी कोई बहुत काबिल नहीं है यह भी एक रियलिटी है तो इस सारी सिचुएशन में अब जो मैं कमेंटेटर्स की बातें सुन रहा हूँ टेलीविज़न पर और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बातें सुन रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कुछ तो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा आ जो ख़ास तौर पर फैज़ अमीर के और इमरान ख़ान के खिलाफ हैं मेरी जी राय में कोई इंकलाब नहीं आएगा ये सारी पावर पॉलिटिक्स है जनरल फैज़ हमीद ने अपने आ, जो आ, सर्विस के दौरान बे इतहा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की बे इंतहा बदमाशियाँ की इसमें कोई शक वाली बात नहीं मगर इससे पहले जो आई एस आई के लोग आते थे वो भी कोई काम नहीं करते थे और जो आज भी आई एस आई के मौजूद हैं और जो आने वाले भी आई एस आई के होंगे लोग वो भी कोई काम नहीं है जो आज भी हरकतें हो रही हैं वो भी कोई काम नहीं है तो ये नहीं है कि ये आज के लोग कोई बहुत ही असूल पसंदी पर कोई प्रिंसिपल्स बेस्ड यू नो you know, रूल्स की बुनियाद पर कोई जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं वो अपने पावर आ, जो है स्ट्रॉग होल्ड को मज़ीद स्ट्रॉग होल्ड बनाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि इमरान ख़ान की मकबूलीत कायम है जजें भी उनके साथ नज़र आती हैं सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग उनके साथ हैं क्योंकि जनरल फ़ैज़ हमीद जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी इस हरासत से पहले भी सिस्टम को उसी तरह यूज़ कर रहे थे ऑलमोस्ट जिस तरह वो यानी अपनी सर्विस में थे और ये कोई डकी छुपी बात नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऐसा ही होता है कि जब आप सर्विस पे इतने बड़े उहदे पे हों तो आपके जो मतहत हैं वो तो अभी भी वहाँ मौजूद है ना वो आज भी आपके साथ हमदर्द हैं आज भी आपके साथ आ, वो सिंपथीज दिखा रहे हैं और फिर ये जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर की लड़ाई है ऐसा नहीं है कि ये कुछ सिर्फ अशखास की लड़ाई है इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं अमरीका चीन वो, वो भी इसमें शामिल है और फिर इस सारी सूरत हाल में इनके जो अपने आर्मी के अंदर ग्रुप बने हुए हैं वो सिर्फ फैज़ ही नहीं है जो कोई तने तनहा है फैज के बहुत सारे आर्मी के अंदर आज भी सेटिंग जो हामी जर्नेल ब्रिगेडियर करनेल बैठे हुए हैं तो वो, वो उनका एजेंडा लेके चल रहे हैं तो पाकिस्तान आर्मी उनसे जान ये जो इस वक्त की लीडरशिप है उनसे जान छुड़ाना चाह रही है तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक रिफ्ट हुई हुई है उस रिफ्ट के चक्कर में जो आज की लीडरशिप है उन्होंने एक अहम जो करिंदा है जो उनकी आर्मी का ही पुराना बहुत बड़ा अफसर था उसको पकड़ लिया और उसके जो सहूलत कार बैठे हुए हैं आर्मी के अंदर आज भी तो उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो भाई हमारा ग्रुप तुम्हारे ऊपर हावी है तो वो ये सारा खेल है इसमें आइडियलिज्म कुछ नहीं है चलिए ये तो बात हो गई सियासत के हवाले से तो अब आते हैं जनरल फैस के एहतसाब के नतीजे में क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की कोई रवायत पड़ेगी बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है जनरल फैज़ का एहतसब शुरू हो गया है कोर्ट मार्शल हो जाएगा हो सकता है इमरान ख़ान का भी कोर्ट मार्शल हो जाए क्योंकि असल निशाना तो इमरान ख़ान है कि भाई किसी न किसी तरह से इमरान ख़ान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सबूत लाए जाए पाकिस्तान की जो अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हाई कोर्ट के जजेस जैसा कि पाकिस्तान से फैसले आ रहे हैं वो यही लगता है कि वो इमरान ख़ान को रिलीफ देना चाह रहे हैं अब आर्मी की वो बात नहीं सुन रहे हैं जजेस वो हैं तो अब वो ये आ, कोर्ट मार्शल वाली कहानी शुरू हो गई है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होगा और कोई पता नहीं जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे वादा माफ गुआ बन जाए चूंकि जब उनके ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है तो वो अपनी गर्दन को बचाना चाहेंगे अगर उन्होंने ऐसा किया तो इमरान खान तो भी फंसते हैं अगर उन्होंने ऐसा ना किया जनरल फैज़ ने और उन्होंने कहा जी कि ठीक है जो करना है मेरा कर लो तो फिर भी इमरान खान फंसते हैं इमरान खान ऑलरेडी फंसे हुए हैं ऑलरेडी जेल में है और इमरान खान की कोशिश होती है कि कोई ऐसी बयानबाजी करें कि इस वक्त की आर्मी लीडरशिप के साथ उनके तलक सुधर जाएं, मगर इसके साथ साथ इमरान खान फिर अपने मजाज अपनी से अपनी तबीयत से बाज नहीं आते वो बहुत सख्त बातें कर देते हैं जब वो और सख्त बातें करते हैं तो फिर वो जो फ़ौज और इमरान खान और उनकी पार्टी के बीच तल्ल बेहतर होने के जो इम्कान होते हैं वो और ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इस सारी सूरत हाल में इमरान खान जो है वो प्रॉब्लम्स में ही है उनका ख्याल होता है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ और आवाम मेरे साथ है पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी मेरी सपोर्ट मौजूद है ब्यूरोसी में भी मेरी सपोर्ट मौजूद है मीडिया में भी मौजूद है इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मौजूद है तुम तो फिर मैं ज़रा तन के खड़ा हो जाऊँ क्योंकि ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे जब मैं इनसे कह रहा हूँ कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं बनती आप मेरी बात सुने तो जब ये सुनते ही नहीं हैं तो फिर मैं और तन के खड़ा हो जाऊँ तो ये मामला जो है ना पर्सनल ग्रीवियंसिस के और पॉलिटिकल ग्रीवियंसिस के दोनों आर्मी के बीच और इमरान खान और उनकी पार्टी के बीच इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो ठीक होते नज़र नहीं आ रहे और लगता ये एक आर्मी की ये जो मौजूदा लीडरशिप है अब जनरल फैज़ के ज़रिए इमरान खान को रगड़ा और देगी और ये जो किसी का ख्याल होता है ना कि ये जो आर्मी के आ, इस पर पाकिस्तान के चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर जब ये चले जाएंगे तो फिर शायद इमरान ख़ान के लिए राहें हमवार हो जाएंगी जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे ये उनकी ख़ाम ख्याली है पहली बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आर्मी इतनी हावी है इतनी हावी है कि कोई इम्कान नहीं है इमरान खान जब तक आर्मी के आगे घुटने नहीं टेकते इनको रिलीफ मिलेगा वो इतनी हावी जनरल आसिम मुनीर चले भी जाएं, वो आई एस आई आए को जो इस वक्त आ, वो मिस्टर शायद कोई हैं नदीम अंजम वो ना भी रहें कोई और आ जाए तो भी इमरान ख़ान को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा ऑलरेडी वो 72, टू इयर्स थ्री ईयर्स के हैं अगर तीन चार साल इसी तरह एडियाँ रगड़ते रहे तो पाकिस्तान का पहले ही बुरा हाल है पाकिस्तान का भी बुरा हाल होगा इमरान खान और उनकी पार्टी का भी बुरा हाल होगा और पाकिस्तान आर्मी तो समीती नहीं इन बातों को को वो तो अपने आप पाकिस्तान का खुदा ही समझती है तो वो भी फिर इसमें आगे अपने कॉन्फ्लिक्ट में और बढ़ते चले जाएंगे चलिए अब हम मिडल ईस्ट में अमरीकी पीस प्रोसेस का जायजा लेते हैं अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी ने बताया कि पीस के लिए इसराइल तैयार है मगर हमास को भी तैयार होना होगा तो क्या अगर वो तैयार हो जाए तो पीस मुमकिन है देखिए बहुत मुश्किल ये सवाल है और इसका जवाब कोई वाज तौर पर हम दे नहीं सकते क्योंकि हम कुछ सत्तर छिहत्तर साल से यही सब कुछ देख रहे हैं जंगें होती हैं फिर कोई पीस रिकॉर्ड होता है फिर उसके बाद फिर दहशत गर्दी होती है इसराइल के खिलाफ फिर इसराइल के खौफनाक अटैक होते हैं फिर मतलब मामला आगे बढ़ता है अब जो ये वाली जंग चल रही है आ, हमास आ, और इसराइल की मैं तो कहूँगा कि इसराइल और ईरान की चूंकि हमास भी उसकी प्रॉक्सी है हिजबुल्ला भी उसकी प्रॉक्सी है हूती भी उसकी प्रॉक्सी है ये जो जंग चल रही है इसमें यह खतरनाक जंग है क्योंकि इसका आगाज़ हमास ने बहुत खौफनाक नोयीत की सेवजरी पर बेस करती हुई टेररिज्म से किया उसके बाद फिर इसराइल की ये जो सरकार है बेंजामिन नतनयाहू की ये कमज़ोर सरकार थी उन्होंने फुल फायदा उठाया उन्होंने कहा ठीक है फिर अच्छा फ़ायदा भी उठाया ये एक लफ्ज़ है लेकिन दूसरी रियलिटी ये है कि वो फिर उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी क्या करते नतन याहू नतन याहू क्या मतलब इतनी खौफनाक टेर्रिज्म को एक्सेप्ट कर लेते तो उन्होंने फिर ये जो अटैक शुरू किए अब वो चल रहे हैं फिर उसके बाद ईरान बीच में मद मदद एज यूजल देता रहा फिर हमास भी बाज नहीं आता और हिजबुल्ला भी होती भी ये सारे जहादी जो हैं ये सारे जहादी जो हैं इनफैक्ट ये सिर्फ इसराइल को टफ़ टाइम नहीं देना चाहते ये टफ टाइम तो सऊदी अरब को यूएई को ओमान को बहरीन को और इवन कतर को जो इनको पनाह दिए रखता है उनको भी देना चाहते हैं कि ख़बरदार इसराइल के साथ पीस टेबल पर ना बैठ तो अब ये खुद कैसे पीस टेबल पे बैठेंगे यानी हमास वाले जो चाहते हैं कि इनके जो अमीर जो अरब देश हैं जो अरब इनके साथी या नॉन साथी वैसे सऊदी अरब तो इनको अपना हमास वालों को साथी नहीं मानता ना यूएई मानता है वो तो इनको टेररिस्ट ही समझते हैं तो वो यही समझते हैं हमास वाले कि भाई कहीं सऊदी अरब पीस ना कर ले अब सऊदी अरब की कोई दुश्मनी इसराइल के साथ तो रही नहीं यू की तरह एक बाकायदा माहा करना है कि जी हम आप, आप आपस में तजारत करेंगे अच्छे काम करेंगे तो अब इस सारी सूरत हाल में जो टोनी ब्लिंकन ने अभी रिसेंटली दौरा किया है इसराइल का और फिर अरबों से भी वो मिल रहे हैं तो टोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल तैयार है लेकिन इसराइल ने उससे अगले दिन ही कह दिया कि भाई हम तैयार हैं टोनी ब्लिंकन से हमने ज़रूर ये बात की है एक तो हमारे जो हॉस्टेज रह गए हैं वो ये छोड़े हमास वाले और इस इस्लामिक जहाद वाले और दूसरा यह है कि जब यह छोड़ भी देंगे हमारे तो हम फिर भी अपना जहादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी रखेंगे तो एक तरफ इसराइल ने कहा जी हम तैयार हैं पीस के लिए दू दूसरी तरफ यह स्टेटमेंट दे दिया और हमास ने तो पहले ही कह दिया था कि जी आपने हमारे इसमाइल हानिया को ईरान में मारा हम तो कोई तैयार व्यार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि पीस हो सकेगा लेकिन पीस करने के लिए जो आ, हमारी जर्नलिस्टिक इंफॉर्मेशन है कतर की भी आ, कतर का भी दबाव है हमास पे भाई करो पीस आ, हम भी मुसीबत में पड़े हुए हैं कतर को सऊदी अरब कह रहा है यू कह रहा है कि भाई तुम्हारी ये सुनते हैं इन जहादियों से कहो कि बिहेव करें मगर वो जहादी फिर ईरान की सुनते हैं ईरान की पब्लिक कन्जम्पन होती है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉक्सी अटैक होते चले जाएँ तो ये पीस Uh, मुझे नहीं नजर आता कि यह पीस प्रोसेस कामयाब होगा चलिए बरतानिया में फेक न्यूज फैलाने के इल्जाम में एक पाकिस्तानी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है कहा जाता है कि उसकी फेक न्यूज की वजह से बरतानिया में हालिया नस्ली फसादात फूटे तो फिर आप इस खबर को किस तरह देखते हैं देखिए अभी रिसेंटली रिसेंटली पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी को गिरफ़्तार किया गया लाहौर में उसके ख़िलाफ़ एफ आई आर दर्ज हुई है और उस पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि उसकी कोई चैनल थ्री नाव समथिंग लाइक डैट इस तरह की उसकी वेबसाइट थी उसमें उसने ग़ालबा दस जुलाई को साउथ पोर्ट इन बरतानिया के एक छोटे शहर में एक शख्स ने हमला किया था बच्चों की डांस अकेडमी पर और तीन छोटी बच्चियाँ उसने मार दी उसके बाद एक ये इसी चैनल थ्री नाव की वेबसाइट पे एक खबर छपी कि जी अली नाम के एक शख्स ने बच्चों पे अटैक किया है अब अली का नाम छपना था बरतानिया में जो आ, कहा जाता है कोर्ट ऑन कोर्ट राइट विंग के जो लोग हैं जो पहले ही बड़े तंग आए हुए हैं वो निकल आए उन्होंने मस्जिद को भी गालबा ने एक जगह मस्जिद पर अटैक किया आग लगाया लगाई मस्जिद को और फिर जो मुसलमानों के इलाके थे और बरतानिया में मुसलमानों के इलाकों में ज़्यादातर पाकिस्तानी मुसलमानों के इलाके हैं तो वहाँ पर उन्होंने किया आ, हमले किए और उसके बाद फिर बहुत बड़ा मसला बना एक डेढ़ महीने तक वो मसला चलता रहा अभी गालबन एक हफ़्ते पहले बरतानिया की हुकूमत ने सख्त इकदाम करके पुलिस की नफरी बढ़ा के किसी न किसी तरह से हालात पर काबू पाया है मगर जो हालात पर काबू पाया इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम्यूनिटीज़ के अंदर टेंशनज हैं वो ख़त्म हो गई हैं अच्छा ये जो फ़ेक न्यूज़ इसने चलाई बिल्कुल फ्लेक फेक न्यूज़ थी क्योंकि वो शख्स जिसने हमला किया था वो सत्रह साल एक नौजवान था जो अफ्रीकी मुल्क के बैकग्राउंड का था मगर वो बरतानिया में पैदा हुआ और वो गालबन मुसलमान भी नहीं था तो आ, अब उनका ये ख्याल है बरतानिया की सिस्टम का कि जी ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वो फ़ेक न्यूज़ है यकीनी तौर पर उस फेक न्यूज़ का ने इसको इंस्टिगेट किया वो एक स्पार्क था मगर ऐसा नहीं था कि उस फेक न्यूज़ ने एक दम से नस्ली मुनाफरत रातों रात पैदा की हो तो दहाइयों से चली आ रही है और आज भी मतलब जब ये फेक न्यूज़ चली उस फेक न्यूज़ के चलने के बाद को दो तीन दिन बाद ही इसकी वजाहत बरतानवी हुकूमत ने की सोशल मीडिया ने की कि भाई ये फेक न्यूज़ थी उस शख्स ने भी कहा जो अब पकड़ा गया है जी कि भाई मुझे नहीं पता था मैंने वो ख़बर हटा दी है मेरे किसी अमले ने लगाई थी अब वो आज ये कह रहा है मेरा तो अमला था ही नहीं मैं तो तन तहाई वो वेबसाइट चलाता था अकेला ही था तो वो अब जाहिर है मतलब इस तरह के लोग जो इतनी फेक न्यूज़ छाप सकते हैं वो झूठ भी इन इंतहाओं का बोलेंगे अब वो झूठ पे झूठ बोली जा रहा है पाकिस्तान में पकड़ा गया है पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद जो खबर आई है वो ये है कि उसको बरतानवी हुकूमत की किसी रिक्वेस्ट पर नहीं पकड़ा गया अभी जी जो पहली ख़बर आई हो सकता है आगे जब खबर मजीद आए तो ये कोई और सूरत सामने आई मगर अब ये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान ने ऑन ए एक्शन लिया है अब मुझे ये भी बात समझ नहीं आती कि वो वाक्य वहाँ पर हुआ है तो बरतानिया में हुआ है अब बरतानिया की सरकार या बरतानिया के लोग या शहरी वहाँ के वो पाकिस्तान से कहें ना कि ये फेक न्यूज़ चलाने वाला पाकिस्तानी शख्स अब पाकिस्तान बैठा हुआ है तो उसको पकड़े तो अब ऐसी खबर अब तक तो नहीं आई अब पाकिस्तान ने अपने तौर पर भी उसको पकड़ लिया उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा जो कुछ होगा लेकिन आ, मैं इसमें इस बात पे दोबारा ज़ोर देना चाहूँगा कि उसने फेक न्यूज़ चलाई बहुत बुरी बात है न्यूज़ एक घटिया एक अमल है और वो उसकी वजह से ये इंस्टिगेट हुआ ये बहुत बड़ा स्पार्क बना मगर ये भी हकीकत है कि बदकिस्मती से जो वहाँ पे सेटलर्स हैं यानी जो वाइट कम्यूनिटीज़ हैं जो वहाँ की हैं उनकी कुछ अक्सरियत जो वहाँ पे इमीग्रेंट कम्यूनिटीज़ हैं जो जो वो भी अब सेटल हो चुकी हैं तीन चार जनरेशन से वहाँ पे रह रही हैं उनके दरमियान आज तक रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों कम्यूनिटीज़ अपने अपने कल्चर में अलग थलग रहती हैं और जो मेन स्ट्रीम है बरतानिया के ये मसला और भी मगरबी मुल्कों में है तो मेन स्ट्रीम जो वेस्टर्नर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इमिग्रेंट कम्यूनिटीज़ हैं ये दूसरी तीसरी जनरेशन के बावजूद ये हम ये हमारे साथ घुल मिल के रहना नहीं चाहते हमारे कल्चर को पसंद नहीं करते तो फिर क्यों हम मज़ीद इमीग्रेशन दें तो ये मसाइल बरतानिया हो फ्रांस हो अमरीका हो और इवन कैनेडा हो ये मसाइल अपनी जगह पर कायम रहेंगे मगर फेक न्यूज वाले को चलिए जैसे भी पकड़ा उसको पकड़ना जरूरी था चलिए अब अमेरिका की तरफ आते हैं अभी अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी का कन्वेंशन हुआ इस कन्वेंशन के नतीजा में आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेट्स को मज़ीद फायदा होगा जी डेमोक्रेट्स को यकीन तौर पर फायदा होगा जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का अमेरिका हो या दुनिया को कोई भी मुल्क हो कन्वेंशन होता है तो नॉर्मली थोड़ा सा बूस्ट मिलता है उनको चूँकि ख़बरों का वो मतलब हेडलाइंस है, का वो हिस्सा बनते हैं आ, अपने कन्वेंशन की वजह से जैसा कि अभी कोई डेढ़ दो महीने पहले सदर ट्रम्प की पार्टी का कन्वेंशन हुआ था तो उनको बूस्ट मिला था रिपब्लिकन रे, पार्टी को अब डेमोक्रेट्स का जो हुआ है उसको बूस्ट मिलेगा और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कमला हैरिस जो उनकी अब सदर की कैंडिडेट हैं जो सदर का इलेक्शन लड़ेंगी ट्रंप के ख़िलाफ़ तो कमला हैरिस ऑलरेडी डूइंग वेल अब तक की जो इतलात आ रही हैं वो टू पॉइंट्स आगे हैं सदर ट्रम्प से क्योंकि पहले तो जो लोग थे वो दो बूढ़ों से तंग आए हुए थे सदर ट्रम्प और जो बाइडन तो डेमोक्रेट्स की तरफ से ये एक अच्छा फैसला आया जब कुछ महीना पहले उन्होंने ऐलान किया कि सदर बाइडन स्टेप डाउन हो रहे हैं अगले इलेक्शन लड़ने के हवाले से Uh, वो सदर रहेंगे सिर्फ इस टैन्योर को पूरा करेंगे और कमाला हैरस होंगी नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट उनकी पार्टी की तरफ से तो कमाला को उनकी तो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट मिली इसलिए वो दो पॉइंट्स पे आगे जा रही हैं तो इस कन्वेंशन की वजह से उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ uh, है वो थोड़ी और बढ़ेगी लेकिन इलेक्शन अभी जाके नवंबर में होने हैं तो हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीना में अगस्त के महीना के तीसरे चौथे हफ्ते में तो उसके बाद हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर तो दो ढाई महीने का टाइम है दो ढाई महीने में अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होना है बड़ा वहां पे स्कैंडल छपेगा बहुत बहुत स्कैंडल सामने आएंगे उसमें वहां पे एक दूसरे पे अटैक होंगे तो उस सब के नतीजा में देखिए फर्क तो एक दो परसेंट का ही रहेगा और वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट बात है लेकिन इसके साथ साथ ये है कि उनकी सपोर्ट भी बढ़ रही है हालांकि फीमेल होने की वजह से ये ख्याल किया जाता तो उनकी सपोर्ट कम होगी मगर खुश आइन बात यह है कि उनकी सपोर्ट बढ़ रही है ये एक अच्छी बात है अब सदर ट्रम्प का मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं लेकिन अगर मैं डेमोक्रेट्स की पॉलिसियों को देखूं तो शायद मैं सदर ट्रम्प के लिए कोई आधा परसेंट ज़्यादा सपोर्ट रखता हूँगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सदर ट्रंप कोई मतलब वहां पे अगर फर्ज कीजिए वो सदर बन भी जाते हैं दोबारा से तो चार साल के लिए होंगे क्या वो तीर मारेंगे शायद वो कुछ हाँ मैटर कुछ फेसेस मैटर नहीं जी करते वैसे तो कुछ पॉलिसियां हैं वो उसको आगे लेके चलेंगे कुछ भी थोड़ी तब्दीली कर लेंगे तो लेकिन अमरीकी जो इलेक्शन है उनके हर बार की इलेक्शन की तरह इस बार भी सनसनी खेज है ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कहीं सनसनी खेज चलिए इसी से रिलेटेड सवाल करते हैं कि पूरी दुनिया बेचैन है कि आखिर बिलाखिर अमरीका में कौन सा दर बनेगा आप इस कन्वेंशन की रोशनी में अमरीकी सियासत वही सवाल उसी का एक और पहलू चलिए इस पर बात कर लेते हैं जी अमरीकी सियासत का जो फ्यूचर है पहली बात यह है कि इस वक्त फ्यूचर तो ये देखना है कि कौन सा दर बनता है बुनियादी सवाल है तो जो मैंने पीछे बातें की यकीन के साथ मैं भी नहीं कह सकता यकीन के साथ शायद कोई भी नहीं कह सकता हाँ सदर ट्रंप के हामी जो हैं वो कहेंगे कि सदर ट्रंप बन जाएंगे और कमाला हैरिस के जो हामी हैं वो कहेंगे कि कमाला हैरिस बन जाएंगे तो इस तरह तो हम प्रडिक्ट कर सकते हैं अपनी अपनी हमायत की बेस पर कि जी मैं चूंकि सदर ट्रंप का सपोर्टर हूँ तो सदर ट्रंप सदर बन के रहेंगे मैं चूँकि वो कोई कहेगा कि कमला हैरिस का सपोर्टर हूँ डेमोक्रेट्स का सपोर्टर हूँ तो वो बन जाएंगी तो इस हद तक तो वो दोनों अपने अपने कैंडिडेट्स को सदर बनाए बैठे हैं अब अमरीकी सियासत का फ्यूचर क्या होगा फ्यूचर अमरीकी सियासत का यही होगा दो ही पार्टियाँ हमेशा अमरीका में रही हैं सबसे बड़ी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स और दो ही पार्टियों ने रहना है पोलराइजेशन दोनों पार्टियों के अंदर जिस लेवल की है एक दूसरे के खिलाफ जिस लेवल पे रेटरक है वो भी इसी लेवल पे रहना है अब इनमें से सदर कौन बनेगा तो जो जो जिस कैंप में है वो समझता है कि वो सदर बनेगा मेरे जैसे जर्नलिस्ट मैं तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता फ्रेंकली इनमें से कौन सा दर बनेगा? हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक दो परसेंट का फर्क है इस एक दो परसेंट के फ़र्क से हमारे लिए एक पहेली है उस दिन देखेंगे जब इलेक्शन होंगे इलेक्शन के रिजल्ट जब आएंगे फिर पता चलेगा कि कौन बनेगा चलिए हम बिला तकल्लफ तब्सर करते रहेंगे और आज का बिला तकल्लफ जो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रीआन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं